जीवन दादा, ये कल जो काफी मसले चल रहे थे और काफी लोगों ने फिर एक आवाज उठाई है, जो यहाँ पर जो पोल्यूशन को लेकर जो कंपनियां हैं उस पर अब तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। तो लोगों ने, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने यही कहा है कि अब तक इस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो अब तक एनसीपी के द्वारा और आपके खास, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आपके द्वारा ये कहाँ तक ये काम पहुंचा है इसका? जो पोल्यूशन जो हो रहा है ठाकुरपाड़ा में, वहाँ पर कुछ केमिकल भट्टियों से पोल्यूशन हो रहा था, उसके बारे में एनसीबी की तरफ से ग्राम पंचायत को भी लेटर दिया गया है और अपना स्थानिक पुलिस स्टेशन है उसको भी लेटर इशू किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो वहाँ पर पुलिस भी जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही है, शायद पुलिस उनसे मैनेज हो गए क्या, ऐसा हमको संशय आ रहा है अभी। और दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायत को बार बार फॉलोअप लेने के बाद में भी वहाँ के जो ग्राम सेवक है उन्होंने इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है। तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी ये ग्राम पंचायत के ऊपर जो हमारी कल्याण पंचायत समिति है, जिला परिषद विभाग जो है थाना, वहाँ पर लेटर इशू करेंगे। और जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का हेड वहाँ पर बेलापुर में है, वहाँ पर इसके अगेंस्ट में लेटर देंगे। अगर इसके बावजूद भी समाधान नहीं होता तो ये केमिकल भट्टी का जो मुद्दा है उसको लेके आगे चल के हम लोग एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और भी पार्टी इस मुद्दे को घेरने में लगी है, जैसा कि शिवसेना हो गई, राष्ट्रवादी हो गई, एक दूसरे में होड़ लगा हुआ है कि ये काम हमारे द्वारा हो रहा है और वहाँ के जो सड़क है, नाले है और बाकी अन्य समस्या है ठाकुरपाड़ा की खास करके, वह अभी पार्टी अपने अपना होड़ लगा रही है। अब कल ही दो ऑफिस का उद्घाटन किया गया है शिवसेना की, उन्होंने दावा भी किया है कि शिवसेना जब से वहाँ पर है वहाँ के लोगों का काम कर रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, एनसीपी क्या कर रही है फिर? अभी वहाँ पर शिवसेना के सरपंच कम से कम 10 साल से सिर्फ शिवसेना के सरपंच ही बैठे हैं। जो पिंपरी ग्रुप ग्राम पंचायत है वहाँ पर 10 साल से शिवसेना के सरपंच ही काम कर रहे हैं। अभी उन लोग ने वहाँ पर कितना काम किया है वो आपने भी देखा है, वहाँ की सड़क इतनी अच्छी पक्की बन गई कि आने जाने में 5 मिनट में आदमी दहिसर से ठाकुरपाड़ा पहुंच जाता है, वो आपने भी देखा है। प्लस वहाँ पर की ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, कचरे की क्या व्यवस्था है, तो आपने भी देखा है। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि हमने काम किया है तो काम तो दिख रहा है अभी आप लोगों को, हम लोग बोलने से अच्छा है अब आपको ही जवाब देना चाहिए या आपको ही क्रॉस एग्जामिनेशन उनका लेना चाहिए कि 10 साल से तुम लोग सत्ता में हो तो क्या काम किया। वो पब्लिक को दिख रहा है और पब्लिक को पूरा मालूम भी है वहां पर कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, कौन झोल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब पब्लिक को मालूम है। इसलिए पब्लिक जो है ठाकुरपाड़ा की एनसीबी के साथ में, अब जब से ऑफिस खुले तब भी है आज भी है, खाली 2-3 आदमी के जाने से वहां पर कुछ फर्क हमको पड़ने वाला है नहीं। जो भी गए हैं आदमी वो लोग वही खुश रहे, खुशहाल रहे, आगे के लिए उनके फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं है कि आगे जो मान सम्मान एनसीबी में उनको मिला वो मान सम्मान उनको वहां पर मिले। सर, कहीं ना कहीं जो है ठाकुरपाड़ा की जो बात आती है तो रोड का मुद्दा हो गया और आपके जो फैक्ट्री बनी है उसके प्रदूषण का मुद्दा हो गया, लेकिन जब से ठाकुरपाड़ा वहां पर बसा है वहां पर लोगों को पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। इन समस्या को खत्म करने के लिए अभी तो आप लोगों की जो है गठबंधन की सरकार थी और सरकार है अभी भी, अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है, तो दोनों लोगों ने मिल करके वहाँ पे पानी की समस्या के लिए अब तक क्या कदम उठाया है? देखिए, पानी की समस्या केवल ठाकुरपाड़ा की समस्या नहीं है, ये पूरे 14 गांव की समस्या है। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तब से पूरे 14 गांव में पानी आया ही नहीं था, लेकिन जब से ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, हमारे पालक मंत्री है एकनाथ जी शिंदे साहब और खादर साहब है श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनके माध्यम से जो पुरानी लाइनें थी वो वहाँ पर वो पुरानी लाइनें निकाल के कल्याण पाटा से पूरे 14 गांवों को लाइन जोड़ने का काम हुआ है। पानी के टंकी का काम भी वहाँ पर पूरा पूरा हुआ है, एक ट्रायल भी हो चुका है। अभी भी कुछ फॉर्मेलिटी की वजह से वो काम रुका है, लेकिन हमको आशा है कि ये काम जल्द से जल्द गठबंधन सरकार जो है हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से पूरा हो जाएगा और ठाकुरपाड़ा के सहित और भी 14 गांव में ये पानी पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी लाइनें हैं आज भी फटती चली आ रही हैं और सिर्फ उसको आश्वासन दिया जाता है कि हम उस लाइन को नया करते हैं, और पिछले कई महीनों से बीच की भी दिखाया जा रहा था कि लाइन जो है पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से पूरे मुमरा शहर में और पूरे इधर के इलाकों में पानी नहीं पहुँचा। और वहाँ पर विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू ने भी विजिट किया, माननीय मंत्री जितेंद्र रावण साहब ने भी विजिट किया, लेकिन इतनी विजिट करने के बाद, आश्वासन देने के बाद भी वो पुरानी लाइन को सिर्फ जो है जोड़ वोड़ करके, जोड़ जाड़ करके ही उसको आज तक चलाया जा रहा है, ना कि वो बड़ी लाइन को अभी तक नई लाइन दिया गया है। सर, इस पर क्या कहें? अभी जब जिस लाइन का बात कर रहे हैं आप लोग, जो लाइन वहाँ पर फटी हुई है जी, वो एग्जैक्टली कौन से इलाके की पाइप लाइन है? सर, कल्याण फाटा
पूरे दहसरपाड़ा, दहसर मोरी, मुमरा, कलवा सबको जोड़ने वाली लाइन मेन लाइन, जिस पर रिपेयरिंग का ही काम होता है, बदलने का काम नहीं होता है, उसको बदलने का काम नहीं किया। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दे की मेरे पास तो जानकारी है ही नहीं, लेकिन अवश्य हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। जानकारी लेने के बाद में हमसे जो होएगा हम लोग इसके बारे में कार्यवाही करेंगे। मेरा एक मुद्दा है, जो आप लोगों ने 14 गांव ने जो एक आवाज उठाई है डंपिंग ग्राउंड को लेकर, अभी भी वो विवाद बना हुआ है, उसके कुछ समस्या निकल पाई है कुछ डंपिंग ग्राउंड को लेकर? डंपिंग ग्राउंड को लेकर अभी 17 तारीख को हम लोग बड़ी ताकत में आंदोलन किया था जी। आंदोलन में हम लोग को मार्केट से भी बहुत सपोर्ट मिला था, पूरे 14 गांव के लोग भी थे, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी अपडेट जो है, ये अपडेट अभी तक हमारे पास यही आया है कि इसके बारे में आगे जो गांव वालों के राय मशवरे है उनका विचार करके करने के बाद में उसके बारे में कार्रवाई किए जाए, मतलब करने वाले हैं वो लोग, लेकिन हम लोग पूरी तरह से मतलब अभी भी फुल वॉच कर रहे हैं उसके ऊपर। कल भी हम लोग ने वो डंपिंग ग्राउंड जहाँ होने वाला है वो जगह का विजिट किया था, वहाँ पर कुछ टोरेंट के माध्यम से कुछ लाइन डालने का काम चालू था, तो हमने वहाँ पर जो शेख साहब है उनसे भी हमने फ़ोन के ऊपर बात किया, तो उन्होंने आश्वासित किया कि ये लाइन ही जो है प्राइवेट कंपनी के लिए जा रही है, डंपिंग के लिए अभी तक मतलब कोई लाइन हम लोग नहीं डाला है। और शिवसेना ने एक प्रस्ताव दिया है नगर पालिका में, अगर ये जैसे कचरे को लेकर एक रिसाइकलिंग बनाया जाए, जो कचरा गीला कचरा होता है उसको रिसाइकलिंग करके उसकी खाद बना के बेचा जाए, तो उसमें सरकार को भी फायदा होगा, तो इस समस्या का समाधान आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है रिसाइकलिंग कचरे को करना चाहिए? नहीं नहीं, शिवसेना ने अगर प्रस्ताव दिया दिया है, उन्होंने एक लेटर भी जारी किया, हमको बताया कि उन्होंने एक दिया है लेटर नगर पालिका को, गीला कचरे को सूखा सूखे को अलग रखा जाए और गीले को, और जो बिल्डिंग से कचरा आता है वो उधर एक रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट लगाया जाए। हमारी मांग ये है कि वो जो प्रोजेक्ट जो बना रहे है वो बेसिक प्रोजेक्ट बनाए, और जो शिवसेना ने लेटर दिया है उनको आपके तरफ से मेरा उनको संदेश है कि भाई अगर आपने लेटर दिया है तो वो प्रोजेक्ट आपके इलाके में बिठा ले जी। थाना कॉरपोरेशन का और ये 14 गांव का कोई संबंध नहीं है, थाना कॉरपोरेशन को अगर वो प्रोजेक्ट करना है तो आपने आदि में बहुत बड़ी जगह उनके पास उपलब्ध है घोड़बंदर साइड में, उधर जाके वो लोग वहां पर अपना प्रोजेक्ट करे। 14 गांव का और थाना कॉरपोरेशन का वैसे भी संबंध नहीं है, तो उनका कचरा हम क्यों साफ करें? और थाना कॉरपोरेशन की क्या गारंटी है कि वो लोग सही से प्रोजेक्ट करेंगे? कि दीवा को इतने साल से वो लोग ने पूरा इसमें अंधेरे में डाल के रखा है, वहां पर किसी तरह के काम नहीं कर रहे, वहां पर वो लोग चाहे तो प्रोजेक्ट खड़े कर सकते थे, अभी उनका टाइगर डंपिंग का प्रोजेक्ट भी बंद पड़ा हुआ है, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग ये प्रोजेक्ट सही से करेंगे, डंप नहीं करेंगे? लिखित में अगर कोई गारंटी देने को तैयार है क्या थाने महानगर पालिका वाले, तो उसके बारे में हम लोग सोच विचार करेंगे। सर ये तो बात हो गई आपके डंपिंग ग्राउंड और ठाकुरपाड़ा की, अभी पिछले 15 सालों से एनसीपी राज है, एनसीपी की सरकार है, चाहे वो गठबंधन में हो या गठबंधन से पहले हो, मुमरा कल्याण फाटा से लेकर के और शील फाटा और मुमरा तक के बीच में आए दिन हादसे होते रहते हैं, और पिछले 2009 से जो है मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पर एक भी सिग्नल नहीं है। एक सिग्नल लगवाया भी गया था, शायद बिजली आपूर्ति की ना होने की वजह से उस सिग्नल को हटवा दिया गया कल्याण फाटा पर। तो सर एनसीपी पार्टी या अगर कोई भी पार्टी जो जिसकी सत्ता है, अब तक उन्होंने 2009 से लेकर के अब तक दोबारा सिग्नल लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए कैसे, कल्याण फाटक के जो आगे एरिया है वो कॉरपोरेशन में एरिया आता है जी। आपका सवाल वाजबी है, अगर वहाँ पर सिग्नल की सुविधा करने में सरकार फेल हो रही है तो मेरे हिसाब से वहाँ के जो नगर सेवक है उन लोग को इस चीज में ध्यान देना चाहिए कि 2009 से अगर सिग्नल व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो ट्रैफिक विभाग में वो लोग को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ये कॉन्टेक्ट करके अगर उसके ऊपर समाधान नहीं हो रहा है तो हमारे नेता आवार साहब है उनके थ्रो से जाना चाहिए। उन नगर सेवक लोगों की जवाबदारी बनती है, भले वो एनसीपी के हो, शिवसेना के हो, कोई अन्य पार्टी के हो, सब नगर सेवक की जवाबदारी है कि वो वहां पर वो जो काम है प्रॉपर अपने अपने वार्ड का करना चाहिए उन लोगों को। सर जहाँ इलेक्शन आता है, इलेक्शन आने तक जो है सबसे ज्यादा लोग इलेक्शन पीरियड में गटर रोड और बिल्डिंग सोसाइटी के काम में लगे रहते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान उस हादसे होने वाली जगह पर नहीं जाता है। इसको लेकर के माननीय गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावाल साहब, आपके पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और एमपी श्रीकांत शिंदे साहब, इनसे किस तरह की आप जो है अपील करेंगे इस सिग्नल को लेकर के कि आने वाले 2022 के इलेक्शन तक कल्याण फाटा या सील फाटा पर सिग्नल लगाया जाए? अभी सिग्नल का काम तो बहुत छोटा सा काम है, उसके लिए फिर
कैबिनेट मिनिस्टर या पालक मंत्री या हमारे एमपी जो है, लेकिन सर छोटा ही काम तो सिंधे साहब, एक मिनट, इनको कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ के जो हमारे लोकल नगर सेवक है उनसे हम लोग ये बारे में 100% बात करेंगे और आपका जो मुद्दा है वहाँ पर पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर वो सिग्नल की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। हमारे जो नगर सेवक है वहाँ से हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे उन लोग से। क्योंकि सर जिस तरह से आपने कहा कि ये बहुत छोटी बात है, अगर छोटी बात होती तो 2009 से लेकर के और 2022 तक में शायद अब तक सिग्नल लग गया होता। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी बाखूबी करते हैं, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से जो बाइकर्स हैं वो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं हादसे का शिकार होते हैं। तो इसके लिए विनती है सर कि आप कोशिश करें और सिग्नल लगवाने की जल्द से जल्द। ठीक है, हमारे माध्यम से जो भी है हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर सिग्नल की व्यवस्था की जाए। एक अच्छा मुद्दा आपने हमारे नजर में दिया है तो उसके ऊपर काम करेंगे और जब काम करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। ठाकुरपाड़ा की जनता आपको लास्ट बार सुना चाहेंगी, आप ये ठाकुरपाड़ा की समस्या कब तक हल हो जाएगी? देखिए ठाकुरपाड़ा की समस्या कैसा मालूम है, ठाकुरपाड़ा एक नया शहर है, मतलब नया जो पोल्यूशन को लेके जो उनको दिक्कतें हो रही है, पोल्यूशन को लेके जो दिक्कत हो रही है क्योंकि हमने लेटर सब जगह इशू किए है तो आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे, हमारे वरिष्ठ नेता है उनके साथ में बैठक करके और ये पोल्यूशन को लेके जल्द से जल्द एक आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे क्योंकि अभी लेटर से कुछ होने वाला है नहीं, अभी ये लड़ाई है, जमीन पे उतर के लड़ना पड़ेगा। मैं सभी ठाकुरपाड़ा रहीवासियों का मतलब एक क्या बोलते हैं उसको हम लोग मतलब एक गुजारिश करता हूँ मैं उन लोगों को कि ये मुद्दा जो है किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, पब्लिक के हेल्थ का सवाल है, तो ये मुद्दे को राजनीति की नज़र से न देखते हुए सब लोग एक होके वो आंदोलन में शामिल हो जाएं और शामिल होके अपनी ताकत जो है वो गवर्नमेंट को दिखा दे, उसके बाद में अपन सोच लेंगे इसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन पॉल्यूशन जो हो रहा है वो सामने हो रहा है, लेकिन कुछ सरकारी ऑफिस से जो है वहाँ से कुछ मतलब ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है, ये बड़ी दुख की बात है।